भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र यादव ने सिटी चैनल के माध्यम से प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की जनता को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने जनता के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसे केंद्र व प्रदेश की जनता ने उसका लाभ उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुझे 30 विधानसभा बेलारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो मैं बेलारी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम करूंगा और बेलारी विधानसभा में संपूर्ण विकास करने का काम करूंगा। इस दौरान उन्होंने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा, और पूर्व में मैं 2012 में बेलारी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका हूं। अच्छा, जैसे कि प्रदेश की क्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की क्या जन कल्याणकारी योजनाएं अब तक चली है, क्या जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, जन कल्याणकारी योजनाएं तो लगातार हमारी प्रदेश की और देश की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो है जनता के हित के जो भी काम हैं उनको लगातार हमारी सरकारें कर रही हैं। जैसे मैं बात करूं चाहे तो आयुष्मान योजना की, चाहे मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, मुद्रा योजना की, और चाहे और इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिनके किसान कल्याण निधि की हम बात करें, जो किसानों के सम्मान के लिए जो उनकी निधि उनको दी जा रही है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। वास्तव में हमारी पार्टी की सरकारें उस भावना को लेकर के जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का किस प्रकार से विकास हो, कैसे हर गरीब को रोजगार मिले, कैसे हर गरीब को रोटी कपड़ा और मकान जो एक मूलभूत आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की होती है उसकी पूर्ति हो, तो इसी सारी चीज़ों को लेकर के हमारी प्रदेश की और देश की सरकारें आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार जनता के हितकारी कार्यों में लगी हुई हैं और कर रही हैं। लगातार जैसे कि विपक्ष अपना दावा कर रहा है कि आपके भाजपा प्रदेश से बिल्कुल तरह उखाड़ जाएगी और लगातार विपक्ष में एक बार सरकार बनेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा और आप भी देखेंगे कि प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछली सपा और बसपा की सरकारों की तो हम लोगों ने देखा और किस तरीके से जनता त्राही त्राही करती थी गुंडा राज में, सपा के में और बसपा के भ्रष्टाचार के राज में। तो इस सब से अजीज होकर के ही प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो है इस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए, इस प्रदेश के अंदर अमन चैन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और पिछले लगभग 4.5 वर्षों में आप देखेंगे कि कोई भी दंगा, कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना इस प्रदेश के अंदर नहीं हुई है और गुंडे और जो भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं या तो वो जेलों के अंदर हैं या वो इस दुनिया को छोड़ करके या प्रदेश को छोड़ करके जा चुके हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को जी रही है और बहुत खुश है। और मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से जनता उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ में आप देखेंगे 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 30 विधानसभा पर दावेदारी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करती है तो क्या बेलारी विधानसभा की नया विकास? जी, निश्चित रूप से मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ इस विधानसभा से बेलारी की, क्योंकि यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि जहां प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी वहां इस बेलारी के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार 2-3 बार से जीतते रहे हैं और जनता का जो काम जिस तरीके